हेलो फ्रेंड, मैं सकीना खान सखी गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके पास आई हूँ। तो फिर ये देखिए फ्रेंड, ये इलायची का प्लांट है, ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये एक्चुअली एक साल में ही फ्लावरिंग देता है, एक बार ही आती है इसमें। और ये हमारी वैसे तो इलायची दो प्रकार की होती है, एक हरी इलायची और एक काली इलायची। इलायची को किचन की रानी भी माना जाता है और ये हर काम में आती है, हर व्यंजन में बनाई जाती है, हर मिष्ठान बनता है इससे, इलायची से बहुत कुछ बनता है। और ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इसमें, फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इसके फूल एक साल में सिर्फ एक बार ही आते हैं। ये हमारा प्लांट जो है बस इन्हीं दिनों, ये अप्रैल के महीना में फ्लावरिंग हो रही है और ये फ्लावरिंग के बाद मई में हमारे इसमें इलायची लग जाएंगी। तो हमारा ये काली इलायची का प्लांट है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इलायची की आयुर्वेदिक गुण भी हैं, आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी होती है, ये शुगर की तो पेटेंट दवाई है, ये बहुत अच्छी है। ये देखिए, ये प्लांट बहुत अच्छा होता है। ये नीचे से ये गन्ने की फैमिली का होता है, जैसे गन्ना है, इलायची है, केला है, ये उस परिवार से है। तो जब इसमें इलायचियाँ हो जाती हैं तो ये स्टिक जैसे नीचे से निकलती हैं ना, तो मैं जिसमें फ्लावरिंग हो जाती है, इलायची लग जाती है, तो उसको मैं काट देती हूँ। उसके बाद जो नीचे से फिर से स्टिक निकलती हैं वो बस फिर जा कर के जब बड़े होते हैं एक साल में, फिर इसमें फिर से फ्लावरिंग होती है। तो देखिए कितना फ्लावर इसमें आ रहे हैं, कितने खूबसूरत हैं, देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अब मैं इसके आयुर्वेदिक गुण को बताती हूँ। अभी तो हमारी फ्लावरिंग हो रही है, अभी जब इलायची इसमें लगेंगे फिर मैं एक वीडियो डालूँगी। तो जब इसमें इलायची लग जाएंगी और वो काली इलायची जो होती है इससे बड़ी हो जाती है, करीब 1-2 इंच की होती है, मोटी भी होती है, तो आयुर्वेदिक में तो बहुत काम की होती है। इलायची को छील लो और उसके दानों को निकाल लो, करीब 250 ग्राम इलायची के दानों को निकाल लो और दाने निकाल करके उसे पीस करके मिक्सी से पाउडर फॉर्म में बना के रख लो। और सुबह शाम एक एक चम्मच गर्म पानी के साथ में उसको लेने से शुगर जैसी बीमारी, जो शुगर बहुत घातक आजकल बीमारी है हर इंसान को है, करीब 99% लोगों में शुगर पाया जा रहा है, तो हर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके लिए पेटेंट दवाई है। सुबह शाम एक एक चम्मच लो, आपका शुगर काफ़ी कंट्रोल रहेगा। शुगर खैर कभी ख़त्म तो होता नहीं है, लेकिन कंट्रोल बहुत रहेगा। और अपना डाइट में इसे शामिल करें तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वो तो वैसे भी किचन की रानी है, किचन में तो हर चीज़ में डाली ही जाती है, हर सब्ज़ी में डाली जाती है। अब ये देख लीजिए स्टिक कितनी अच्छी है ना, अब ये पतली है, अभी निकल रही है ये स्टिक। अब जब ये बड़ी हो जाएगी एक साल में, फिर इसमें फ्लावरिंग होगी, और जिसमें फ्लावरिंग हो चुकी है वो ख़त्म हो जाएगी, उसमें फिर फ्लावर नहीं आएंगे, उसमें इलायची नहीं आएगी। तो इससे ये फ़ायदा होती है, जैसे झाड़ जैसी हो जाती है ना, तो मैंने इसको इकट्ठा करके बांध रखा है, क्योंकि ये पेड़ बहुत ज़्यादा फैलता है, एकदम से नीचे गिर जाता है, तो मैंने सारा इकट्ठा करके अपने दो हिस्सों में इसको बांध दिया है। तो देख रहे हैं ना फ्रेंड, आपको कितना अच्छा लग रहा होगा ना। तो इसको आप अपनी डाइट में ज़रूर ज़रूर शामिल करें, घर में मंगाएं, हालांकि महंगी आती है ये, लेकिन घर में इसको ज़रूर ज़रूर लाएं और वैसे भी खाएं और शुगर के रोगी भी लाएं, वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये गार्डनिंग पसंद आती है तो आप सखी गार्डन को सब्सक्राइब करें, और इसको अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो उसको आप लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो है ना, जो मैं वीडियो डालती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी, और इससे आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ, कल फिर मिलूँगी आपके पास एक नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।